महाराजगंज के ब्रिजमनगंज क्षेत्र के सोनाबंदी लोटन गांव में सरयू नहर परियोजना के तहत खुदाई के दौरान चांदी के सिक्के मिले हैं, जिस पर पुरातत्विक अध्ययन शुरू हो गया है। शुरुआती अध्ययन में इन सिक्कों का इतिहास प्रतिहार काल से जुड़ता नजर आ रहा है। पुरातत्व के विशेषज्ञ इसे 1200 वर्ष पुराना मान रहे हैं। कुछ सिक्कों पर बना वराह का चित्र इस प्राथमिक अध्ययन का आधार है। गौरतलब है कि खुदाई के दौरान ये सिक्के एक धातु के बर्तन में मिले थे। सूचना मिलने पर पुलिस ने सिक्कों वाले बर्तन को कब्जे में ले लिया। मिट्टी लिपटे उन सिक्कों का वजन 4 किलो 244 ग्राम पाया गया था। इस क्रम में सिक्के गोरखपुर बौद्ध संग्रहालय में लाए गए। संग्रहालय प्रशासन ने सिक्कों को साफ कराकर अध्ययन के लिए स्ट्रांग रूम में रख दिया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बौद्ध संग्रहालय के उप निदेशक मनोज गौतम ने कहा, सर आपको चांदी के सिक्के मिले हैं, सर किस काल के हैं और क्या किस संदर्भ में? देखिए, ये का जो चांदी का सिक्कों का होर्ड मिला है, ये जनपद महाराजगंज के ब्रिजमनगंज थाना अंतर्गत सरकारी नहर की खुदाई करते समय ये होर्ड मिला है, जिसमें काफ़ी मात्रा में ये सिक्के हैं। और ये सिक्के जो है प्रथम दृष्टया जो मैंने अध्ययन कार्य करने का जो किया गया उसमें पाया गया कि ये प्रतिहार कालीन सिक्के हैं। इस पर विस्तृत जानकारी और शोध कार्य करने के उपरांत ही मिल पाएगी, लेकिन इस तरह से इन होर्ड्स का मिलना प्रमाणित करता है कि इस क्षेत्र में प्रतिहार राजाओं की सीमा लगती थी और उनका शासन स्थापित था। निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि इन सिक्कों की प्राप्ति से हमारी ऐतिहासिक धरोहर और संपदा में संग्रहालय के संग्रह में संवर्धन हुआ है। और आगे ऐसी संभावनाएं हैं कि जब इस पे हम शोध कार्य कराएंगे तो कुछ नई जानकारियां निकलेंगी और जो इतिहास के पन्नों में अपना स्थान बनाएंगी।